गाइस कैसे हो आप लोग। आई होप आप मस्त हो गए। तो आज का जो ब्लॉग है तो बहुत ही दिन हो गए हैं, यहाँ पे बारिश का मौसम ठीक नहीं हो रहा है, तो इसी बहाने मतलब मैं सोचा कहीं जा नहीं पाया हूँ, तो आज मैं जाने वाला हूँ विशाल मेगा मार्ट जो कि यहाँ पे फरुखाबाद में है। ये बद्दी वाला नहीं है, ये फरुखाबाद यूपी वाला है। तो मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो आज वहाँ जाने वाला हूँ, तो मैं वैसे एक दो टी शर्ट लेनी थी क्योंकि यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, शर्ट पैंट में तो हालत ख़राब हो जाती है। और मैं तो 6 दिन के लिए आया था, तो मैं ये 2 लाया था, तो 2 में तो काम हो नहीं पाएगा। झूठ बोल रहा है। तो फिर आज बुआ के घर भी मैंने जाना है, तो और टी शर्ट भी लानी है। तो बारिश हुई तो आज नहीं जाऊँगा, तो कल जाऊँगा। तो पहले टी शर्ट लाता हूँ और दिखाता हूँ आपको। तो और क्या, एक बार में कर देंगे। जी ठीक है। 5 minutes later One hour later सो गाइज, इतनी ज़्यादा बारिश यहाँ पे हो गई है ना आज, बहुत ही ज़्यादा, 1 से 1.5 घंटे बारिश हुई और बहुत ही ज़्यादा हुई। वैसे मैंने भी नहाना था पर मैं नहा चुका था, तो रहन दो फिर। अभी बारिश बंद हुई है और पूरा छत गीला गीला है। तो अभी या अभी मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ है, तो उसी का वेट कर रहा हूँ यहाँ से छत से खड़े होकर कि वहाँ पे वो दिख जाएगा। तो यहाँ से जाऊँगा फिर ऑर्डर लूँगा अपना। जो ये जितने भी घर हैं यहाँ से, मतलब यहाँ से पूरा घूम के ऐसे, यहाँ से ये इतने में जो लाइन है, यहाँ से ये जितने भी हैं ये सब अपने घर हैं। सच बोलो, मतलब मामा मौसी नाना के भाई के भाइयों के लड़के वो मेरे मौसी मामा हुए, तो मतलब अपना ये सारा कुछ अपना ही, यहाँ से उधर आगे तक जो हरे पेड़ है वहाँ तक। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी तक। और मौसम भी इतना मस्त सा है आज, बस थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है। आप लोग ये देखो यूपी में घर कैसे होते हैं, एक एक छत जुड़ी है कि मैं वहाँ से वहाँ पहुँच सकता हूँ। और ऐसा हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है, तो अभी निकलते हैं, कॉल आ रही है उनकी। फरुखाबाद से आए हो क्या? बड़ा दूर है यहाँ से, जमा यहाँ से बड़ा दूर पड़ता है। पिज़्ज़ा आने के बाद पता लगा कि खाने वाले घर में 3 लोग और हैं, और पिज़्ज़ा था एक जो कि उन लोगों ने देख लिया है, तो अब कुछ ज़्यादा बड़ा सीन होने वाला है। जैसे ही घर पे पहुँचे लेके, VIP पिज़्ज़ा था पनीर वाला, और इतना बेस्ट पिज़्ज़ा लगा ये मुझे भाई, मज़ा आया। जिंदगी हो तो ऐसी हो। The next day. और टाइमिंग हो रही है अभी 4:36 हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे, ऐसे आंसू भी आ रहे हैं। फिर रात भर से जगा हूँ, 2:30 बजे से मेरे को ऐसे ही हो रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखते हैं, 1-2 दिन में वीडियो डाल देंगे। और मौसम भी यहाँ का नहीं खुल रहा है जो कि मैं कहीं घूम सकूँ और आप लोगों को बहुत कुछ दिखा सकूँ। वैसे बहुत कुछ चेंज हो गया है, पर जा नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ। जब मौसम ठीक होगा तब जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। सो अभी चलते हैं बाहर, एक तो गर्मी भी बहुत है और नेट नहीं चल रहा है रूम में। और
पूरी रात है यहाँ पे, अंधेरा ही है। रूम में नेट नहीं चल रहा है और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहा हूँ जो कि डल नहीं रही है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। नेट सारा खत्म कर दिया है, 600 हो चुका है पर पास चल नहीं रही थी वीडियो। अब जा कर लिए इतने और देखना कितने। मैंने जो स्टोरी डाली है वो डाली थी 4:47 पे और टाइम हो रहा है 5। सो गाइस अभी मैं घर से बाहर आ गया हूँ और किसी को पता भी नहीं है, मतलब आ गया हूँ तो कोई डर नहीं है यहाँ पे, अपना ही है सारा। कैसा लगा मेरा मजाक? अभी मैं ग्राउंड में आया हूँ और कोई भी नहीं है यहाँ पे, सारा कुछ खाली पड़ा हुआ है, बस मैं ही हूँ यहाँ पे। तो सुबह से मैं लगा हुआ था, 2:30 बजे से मैं जगा हुआ हूँ और वीडियो पे लगा हुआ था। एडिटिंग उडिटिंग का मन नहीं भी था फिर भी मैंने किया क्योंकि यहाँ दर्द हो रहा था और जगह था, नींद आ नहीं थी। क्या बोला तूने? उसके बाद मैंने सोचा इंस्टाग्राम पे 2-3 पोस्ट डाल दूँ, स्टोरियाँ डाल दूँ, पर सीन क्या हुआ, पोस्ट स्टोरी डाल रहा हूँ पर जो डाटा है वो यूज़ नहीं हो रहा है, ग्लिच हो गया था इंस्टाग्राम पे और वो भी इतनी रात में हुआ था। कुछ काम चल रहा होगा उनका, कुछ अपडेट उपडेट कर रहे होंगे, तो उसी चक्कर में मैं 2:30 बजे से परेशान हूँ कि मेरी स्टोरी क्यों नहीं डल रही है, क्या प्रॉब्लम है। और नेट यूज़ हो रहा है, किसी की भी रील्स वीडियो या कुछ भी देख रहा हूँ सारा कुछ यूज़ हो रहा है, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आप भी बताना कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, और स्टोरियाँ मैंने डाली हैं देख ली होंगी आप लोगों ने। और अभी नहीं जानते हो कि मैं इंस्टाग्राम आईडी क्या है, तो आईडी शिवम राजपूत आईडी है मेरी, नीचे भी मैं दे दूंगा आप लोग देख लेना। और बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है आज, मौसम बहुत कूल है, तो देखते हैं कहीं निकलेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। और अभी मामा जी की दुकान खुल गई है, सबसे पहले मामा की दुकान खुली और कोई नहीं खोला है अभी यहाँ सामने ही, और हमारा घर भी यहाँ से दिखता है, वो भी आपको दिखाते हैं। सो यही ग्राउंड है जिसमें हम इतने बड़े हुए हैं खेल कूद के, और ये जो है ये कब्रिस्तान है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब नहीं जाता हूँ, पहले बहुत जाता था और बहुत ही अच्छा भी हो गया है, बहुत ही ख़राब भी जगह हो गई है, मतलब अब यहाँ से मैं निकल गया वो बहुत बढ़िया है। ये मेरे मामा की दुकान है जो कि खोल रहे हैं, वो हमारे घर हैं सारे यहाँ से वहाँ तक। अभी कोई सो के भी नहीं उठा है, बस मैं आया हूँ और इधर मामा आए हुए हैं, जैसे मेरे मामा के चाचा ताऊ में मतलब जो हैं वो उनके लड़के हैं, मतलब वो भी मेरे मामा हुए। ये बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। तो ये ग्राउंड है, ये लाइट टूट लग गई है, नहीं तो ये पहले कुछ नहीं था, और इस साइड को लाइट लुइट लग गई है और पूरा रोड खाली पड़ा हुआ है। वैसे मैं आपको दिखाता भी यहाँ पे, मतलब गंगा जी है इस साइड को, और पार्क अभी खुल नहीं रहा है, जब खुलेगा तो आपको दिखाएंगे ज़रूर, मुझे नहीं पता क्यों नहीं खुल रहा है। और यहाँ को ये रोड है, ये हमारी पानी वाली टैंकी है। वाह क्या सीन है। और ये कब्रिस्तान की रास्ता है जहाँ से हम लोग जाते थे, शायद आप लोगों ने 1.5-2 साल पहले भी मैंने एक ब्लॉग डाला था, आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा, वैसे शायद आप लोगों ने देखा हो। इतने दिनों के बाद घर से बाहर निकल रहा हूँ, वैसे मैं निकलता नहीं हूँ क्योंकि ऐसे ही दोस्त यार इतने हैं नहीं यहाँ पे अब, मतलब सब अपने अपने काम में लग रहते हैं, और देखते हैं आज कल में मतलब कोई मिलेगा तो मिलेंगे, नहीं तो फिर घूमने जाएंगे कुछ भी। और यहाँ पे भी टाइमिंग के हिसाब से ही दुकानें खुलती हैं, तभी तो सारा कुछ बंद है, यहाँ पे कुछ नहीं खुला है। Day 2 So, ये ब्लॉग है, ये मैं 2 दिन बाद एंड कर रहा हूँ क्योंकि 2 दिन बारिश रही और माहौल ऐसा ही रहा तो कहीं जा नहीं पाया। तो आज मैं बुआ के घर भी जा रहा हूँ, तो वो ब्लॉग अलग से स्टार्ट करूँगा और इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ। आप लोगों ने जो जो यहाँ पे देखा, जो सीन आपको अच्छा लगा हो, शादी का और भी बहुत सारे जो सीन है, विशाल मेगामार्ट, ये सारा कुछ 2 दिन का है। और अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले बाय, जय हिंद वंदे मातरम टिल द एंड।